मैंने आपका चैनल देखा वहां पर आप ज्यादातर ऑनलाइन जो मनी मेकिंग तरीके हैं उसके ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं सर एंड आई एम श्योर आप सबका इंटरेस्ट होगा पैसे में कितने लोग इंटरेस्ट है पैसा कमाने में अच्छा ठीक है सबका है ठीक सब है? है और अगर पार्ट टाइम बेसिस पे थोड़ी बहुत इनकम हो जाए तो कोई बुरा तो नहीं है <laughs> लेकिन इससे पहले कि ऑडियंस आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे मेरे माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा है क्योंकि जैसे ही हम इसके बारे में सुनते हैं यानी ऑनलाइन पैसा कमाने के बारे में तो सबसे पहले माइंड में ये आता है कि कुछ फ्रॉड होगा कोई स्कैम होगा और बहुत लोग कर भी रहे हैं इस तरह के स्कैम्स तो कैसे ये फर्क किया जाए कि क्या जेन्यन है और क्या फ्रॉड है और जितना भी आपको एक्सपीरियंस है जितने भी तरह के आप लोगों से मिले हो मैंने देखा आपके बहुत सारे इंटरव्यूज हैं बहुत सारे पॉडकास्ट हैं ऑलमोस्ट सारे आपके दोस्त हैं यूट्यूब कम्युनिटी में <laughs> मैंने देखा बहुत लोगों से आप मिले हुए हो एंड विच इज वेरी गुड क्योंकि कोलेबरेशन इज एनी डे बेटर देन दिस इज द गोल्डन रूल ऑफ यूट्यूब सो so, अब मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि अगर एक ऐसा तरीका आपको बताना हो एक रास्ता बताना हो जो कि सब लोग आसानी से कर सकें कम से कम इन्वेस्टमेंट में और जिसमें कोई फ्रॉड ना हो कोई स्कैम ना हो और ये लोग एक्चुअल में अगर दिन का एक दो घंटा लगाते हैं ये पैसा कमा सकें आप अपने एक्सपीरियंस के बेस पे कुछ ऐसा शेयर करना चाहेंगे बिल्कुल सर सबसे पहले तो थैंक यू सो मच एंड अभी तक मेरे हाथ पाओ काफ रहे हैं और नहीं हो रहा है कि मैं सर के साथ बैठा और मैं तो यहाँ पे बैठना चाहता था लेकिन कहते हैं कि ऊपर वाला जब भी देता है छप्पर फाड़ के देता है फाइनली मैं अभी सर के साथ बैठा हूँ तो सर रही बात फ्रॉड की तो मुझे भी लगता था कि ऐसा कुछ तरीका है नहीं ऑनलाइन पैसे कमाने का क्योंकि मैं 2010 में ही ऑनलाइन सर्च कर रहा था तभी उस समय काफी फ्रॉड आते थे कि सर्वे भर लो ये कर लो ऐड पे क्लिक कर लो बहुत सारी चीजें आती थी तो जिससे लगता था कि यार कुछ टाइम तक तो करते थे बट नहीं होता था पैसे नहीं आते थे अकाउंट में फिर मैंने छोड़ दिया मैंने बोला छोड़ो हटाओ फिर जब मैं कॉलेज में आया जब मैं ग्रेजुएशन करने के लिए इंजीनियरिंग मैंने कम्प्लीट करी है तो दो में मैंने एडमिशन लिया तो उस टाइम पर एक ब्लॉगर था मेरी क्लास में तो उसने मुझे गूगल एडसेंस के बारे में बताया फिर मैंने सर्च किया यू, यूट्यूब के ऊपर और भी मैंने इंटरनेट पे सर्च किया गूगल एडसेंस क्या होता है पता चला कि वहाँ पे हम इंटरनेट पे कंटेंट बना के गूगल एडसेंस के थ्रू मोनेटाइज कर सकते हैं तो फिर मैं लग गया फिर मैंने अपना ब्लॉग शुरू किया और मेरे एडसेंस में एक दो डॉलर दिख गया तो मैंने बोला अब तो कोई रोक सकता मुझे तो 2012 में मुझे पता चला था एंड 2016 में मेरी पहली पेमेंट आई थी तो इतने चार साल पाँच साल लग गए मुझे बिलीव जनरेट करने में कि हाँ इंटरनेट से पैसे कमाए जा सकते हैं एंड यूट्यूब पे तो सर आपको देखते आ रहे दो हज़ार से एंड इसकी भी स्टोरी बड़ी अलग है मैं बताना चाहूँगा कि मेरे एक सीनियर थे कॉलेज में तो वो लैपटॉप पर आपकी वीडियोज़ देख रहे थे तो मैंने बोला यार ये क्या देख रहे हो ये मोटिवेशन वाले लोग पागल बनाते हैं <laughs> उन्होंने बोला नहीं यार ये बहुत अच्छा बताते हैं तो मैंने बोला अच्छा ठीक है तो जब मैंने गौर किया तो टाइटल लिखा हुआ था कि आप आई कानपुर में कोई सेमिनार ले रहे थे तो मैंने बोला अगर इस बंदे को आईआईटी वाले सुन रहे हैं मतलब जरूर कुछ तोप होगा <laughs> फिर मैंने सर आपकी वीडियोस देखना शुरू किया एंड तब से मैं फॉलो कर रहा हूँ इनफैक्ट अभी आज सुबह आने से पहले मैंने मॉर्निंग फॉर्मेशन uh, में सुन के आया रही बात आते हैं उस पर पैसे वाले टॉपिक पे आज इतने रिसोर्सेज हैं कि लाइक इंटरनेट के थ्रू कोई भी अपना करियर बना सकता है इवन इतने पैसे बना सकता है कि जितना आप जॉब से या फिर एक बड़े बड़े कंपनी के सीईओ नहीं बना सकते विदाउट इन्वेस्टमेंट तो सबसे आसान तरीका फ्रीलांसिंग जिस भी स्किल में आपकी पकड़ हो नहीं भी पकड़े तो आप उसको सीख सकते हो एक से दो महीना लगेगा ज्यादा समय नहीं लगेगा क्योंकि मैंने खुद जब कंटेंट राइटिंग की शुरुआत करी थी मुझे नहीं आता था मैंने दस ब्लॉग उठा के पढ़ने शुरू किया अच्छा ऐसे लिखे जाते हैं चलो भाई मेरे को भी टॉपिक दे दो मैं लिख दूंगा तो वैसे करके मैंने सीख लिया बाकी यूट्यूब चैनल्स पे आप जो भी स्किल के बारे में आप नॉलेज लेना चाहते हो एक तो इतनी डिटेल में वीडियोस मिल जाएगी मेरे चैनल पे खुद मैंने स्टेप बाय स्टेप फ्री में कोर्सेज बना के रखे हैं कि, कि किसी को भी सीखना है या फिर जो चीज़ें मैं कर रहा हूँ अगर उसको करना चाहता है तो कैसे शुरू करेगा ये सारी चीज़ें मैंने स्टेप बाय स्टेप बताई हुई है तो शुरुआत फ्रीलांसिंग से कर सकते हैं अगर किसी को यूट्यूब करना है तो यूट्यूब में आपको थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट लगेगा लाइक कैमरा माइक अगर नहीं भी है तो आप मोबाइल फ़ोन से शुरू कर सकते हो बट उसमें आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा एक साल डेढ़ साल दो साल नहीं पता कि आप कब सक्सेस हो गए बट अगर फ्रीलांसिंग में क्या है कि आप डे वन से पैसे बना सकते हो कि लाइक अगर आपको वीडियो एडिटिंग आती है या फिर आप सीखना चाहते हो कि वीडियो एडिटिंग करके मैं पैसे कमाना चाहता हूं तो आप क्रिएटर्स की कम्युनिटी होती है बहुत सारे फेसबुक के ग्रुप्स होते हैं आप उसको ज्वाइन कर लो तो ऐसे आप शुरू कर सकते हो इसमें क्या है कि आपको पैसे जो पहला पैसा आने में ज्यादा समय नहीं लगेगा हो सकता है एक से दो महीने में या पहला पैसा कमा लो बट अगर आप यूट्यूब करना चाहते हो ब्लॉगिंग करना चाहते हो या फिर और भी जो चीजें बहुत सारे लोग इंस्टाग्राम पेज से पैसे कमाते हैं ये सारी चीजें करने के लिए आपको थोड़ा सा टाइम चाहिए क्योंकि एक तरीके से बिजनेस है और बिजनेस डे वन से ही प्रॉफिटेबल नहीं होता है तो ये सोच के आपको करना है थोड़ा पेशेंस चाहिए क्योंकि मेरे को खुद याद है कि मेरे थाउजेंड सब्सक्राइबर्स हुए थे ऑलमोस्ट डेढ़ साल में मेरे यूट्यूब चैनल पे एंड उसके बाद धीरे धीरे मेरी गाड़ी बढ़ी फिर मैंने पांच छह चैनल्स पे काम किया सब पे किसी पे मिलियन हो गया किसी पे लाख हो गया किसी पे पांच लाख हो गया एंड अभी जिस चैनल पे मैं खाली काम कर रहा हूँ सतीश के वीडियोस पे उस पे अभी मिलियन रिसेंटली हुए हैं अपने ऑनलाइन पैसा कैसे कमाते हैं ये हमारा टॉपिक है आज का तो इससे रिलेटेड अगर आपके माइंड में कुछ भी क्वेश्चन हैं जो आप पूछना चाहते हैं तो आप प्लीज इनसे पूछ सकते हैं सर मेरा क्या है कि मैं स्टार्टिंग से जब मैं पंद्रह सोलह साल का था तब से एक वर्क स्टार्ट कर दिया था अभी मैं कल बीस का हो जाऊंगा और फ्री से मेरी ज़्यादा इनकम आती है मेरी सैलरी से तो अभी क्या है कि मैं बी सी ए भी कर रहा हूँ साइड बाई साइड तो मेरा अभी ये थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया है दो वो हो गए हैं फ्रीलांसिंग का नाम ही इसीलिए फ्रीलांसिंग है कि आप कुछ और करते हुए भी उसको कर सकते हो और अगर आपको लग रहा है कि यार मैं जो मेरा फुल टाइम है उसमें वो नहीं कर पा रहा हूँ फ्रीलांसिंग की वजह से तो फ्रीलांसिंग को थोड़े टाइम के लिए छोड़ दो क्योंकि ज़िंदगी खत्म नहीं हो रही अभी अभी आप पढ़ाई पे फोकस करो मैं तो हमेशा ये बोलता हूँ जो भी मेरे से स्टूडेंट्स पूछते हैं कि यार पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है क्या कर रहे हैं मैंने बोला अगर पढ़ाई में नहीं मन लग रहा है तो मैं भी जो आप करना चाहते हो उसमें भी मन ना लगे फिर आप उसको छोड़ दोगे थोड़े टाइम के बाद क्योंकि रिजल्ट तुरंत नहीं आता है तो आप पढ़ाई जो आप कर रहे हो बी कर रहे हो ना उसको साथ साथ करो और फ्रीलांसिंग अपना थोड़ा बहुत ध्यान दो आपको लग रहा है कि फ्रीलांसिंग में मेरा ज़्यादा एनर्जी जा रहा है तो उसको डेलीगेट करने की कोशिश करो आप टीम बढ़ा सकते हो और अपने पास प्रॉफिट कम रखो तो ज़्यादा अच्छे से वो एक्सपांड हो पाएगा सर क्वेश्चन ये है कि सर जैसे कि फ्रीलांसिंग में आपने कहा कि सब करियर बनाते हैं अपना तो सर मेन क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि क्लाइंट से डील करते हैं जब हम सब फ्रीलांसिंग में तो मैं भी कर रहा हूँ तीन साल से फ्रीलांसिंग और अच्छा खासा इनकम हो जाता है महीने में तो जो तो मेन आता है कि जब आप पैसे की बात करते हो क्लाइंट से तो कैसे चार्ज करते हैं सर आप दो अलग अलग बातें कर रहे हो एक तरफ़ से आप कह रहे हो मेरे को बहुत अच्छी खासी इनकम हो जाती है अच्छी खासी मतलब क्या सर मतलब अभी जिस एज के हिसाब से तो मैं सर आराम से तीस हज़ार रुपये महीने निकल जाता है आपकी एज कितनी है सर अठारह साल अठारह साल में तीस हजार रुपए महीने का आप कमा रहे हो यस सर और हमसे क्वेश्चन पूछ करके मजे ले रहे हैं सर 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 नहीं सर, नहीं नहीं एक्चुअली भाई sir. आप हमें बताओ आप क्या कर रहे हो ऐसा सर, ग्राफिक डिजाइनिंग फ्रीलांसिंग वीडियो एडिटिंग यही करता हूँ सर क्लाइंट्स के लिए ये सब आप करते हो और अच्छा पैसा कमा रहे हो सर तीन साल से कर रहा हूँ सर ये टेंथ क्लास से करता आ रहा हूँ सर ट्वेल्थ भी पास टेंथ क्लास से आप कर रहे थे और आज की डेट में आप रुपए महीने पे आ चुके हैं पच्चीस तीस हजार की रेंज होती तो है हमसे क्या मजे लेना चाहते हो सर अब सर मैं पूछना चाहता हूँ की सर इसको स्केल अगर करना है और नेक्स्ट लेवल पे सर क्योंकि मेरा सर बहुत कंफ्यूजन चल रहा है अभी पढ़ाई को लेकर पहले तो आपको मालूम होगा कि आप कैसे कोट कर रहे हो क्योंकि आपने इतने साल से काम कर रहे हो तो आपको आइडिया होगा कि आप कितने चार्ज कर रहे हो है ना वो हाँ, सर है अगर आपको पता लगाना है कि मार्केट में क्या रेट चल रहा है तो आप दूसरे फ्रीलांसर्स को रीच आउट करो एज अ क्लाइंट कि भाई मेरे को एक काम लेना है आप कितना चार्ज करोगे तो वो अपना एक रेट भेजेगा फिर आपको उससे आइडिया लग जाएगा यार यार बंदा इतना चार्ज कर रहा है मैं तो इतना ही कर रहा था फिर आप थोड़ा सा इंक्रीज करो एंड फिर जब देखो उसको इंक्रीज करने के बाद भी आपके पास क्लाइंट आ रहे हैं ना तो ठीक है अगर आपको लगता है कि थोड़े पैसे कम मिल रहे हैं एक्सपांड कर रहे हैं तो क्लाइंट्स आने दो फिर अपनी टीम बढ़ाना शुरू कर दो बट अभी आपकी एज कम है तो मैं तो बोलूंगा कि आप लाइक पढ़ाई भी कर रहे हो साथ में हाँ सर तो पढ़ाई भी, भी करो, करो और हल्का फुल्का जैसे तीस पैंतीस हजार कमा रहे हो तो अच्छा है और करो बहुत बढ़िया है कोई दिक्कत नहीं है आप इधर आएंगे एक बार यहाँ पे आएंगे तो चेयर दीजिए इनको सर एक मिनट <laughs> सर बैठिए बैठिए अच्छा मेरे ये बताओ आपका नाम क्या है माइक लेकर के बता सौरभ चतुर्वेदी सौरभ देखो इन्होंने आइडिया दिया था फ्री का ठीक है और आप फ्री में फोड़ रहे हो अच्छे तरीके से तीस हजार रुपए महीना कम नहीं होता है तो अब आप ये बताओ आपका सीक्रेट क्या है यहां पर सबको सब जानना चाहते हैं जानना चाहते हो नहीं जानना चाहते हो यस yes, नो डिटेल में बताओ अपनी जर्नी के बारे में हम आराम से बैठे हम सुन रहे हैं तो सर एक्चुअली क्या हुआ था सर मैं क्लास से करता आ रहा था ये सारा काम तो मेरे को पता चला था कि ग्राफिक डिजाइनिंग से क्रिएटिव काम करके कहा यूट्यूब से अपने आप ही मतलब दिमाग लगाया कि सर इस ग्राफिक को और अच्छा इंप्रूव कैसे किया जाता है ऑनलाइन अगर स्टॉल कर रहे हो सर वेबसाइट कैसे बनती है और विडियो कैसे होती है सर सॉफ्टवेयर क्या 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 चीज है सब समझ में आ रहा था तो आपकी इनकम कैसे शुरू हुई कुछ वेबसाइट्स है फ्री हो गया अपवर्क हो गया फाइवर हो गया ये वेबसाइट्स हैं तो ये साइट्स पे तो अप्लाई कर करके क्लाइंट्स से बात की पाँच पाँच डॉलर में पाँच पाँच डॉलर में काम किया उनके लिए तो फिर उससे सर ये हुआ कि क्लाइंट्स से मेरे पास ऑलरेडी काफ़ी अच्छा रिलेशन था तो उन्होंने मेरे को अच्छे रेट पे रेफर किया कि ये अच्छा काम कर देगा पैसे भी ऐसे ठीक ठाक मिल जाने हैं तो बेसिक इनका बिजनेस मॉडल ये है आई थिंक आपको कि शुरू किया कुछ फ्रीलांसिंग वेबसाइट से वहां से कुछ क्लाइंट्स मिले उन क्लाइंट्स को इनका काम पसंद आया उन्होंने आगे रेफर किया इसको वर्ड ऑफ माउथ बोलते हैं और आज ये महीने का बीस तीस हजार लेते हैं अब यही डाउट है मेरे को पर अभी पूछा नहीं मेरे को कि सर बीटेक कर लेनी ले चाहिए या फिर यही क्वेश्चन जो उन्होंने कहा कि इसी फ्रीलांसिंग में चला जाना चाहिए फील्ड में या फिर ड्रॉप देना चाहिए अपने आपको एक साल मेरा एक फ्रेंड है जो YouTube पे भी कर रहा है और उस वो थर्ड ईयर में था बीटेक कर रहा था उसने थर्ड ईयर में ड्रॉप आउट मारा बट उसका जो रेवेन्यू था एक साल का तीन करोड़ उसके बाद उसने ड्रॉप आउट किया तो अगर आपको लगता है कि आप अच्छा खासा पैसा बना सकते हो और आपको पूरा फुल कॉन्फिडेंस आ रहा है तो ड्रॉप आउट कर सकते हो बट मैं रिकमेंड किसी को नहीं करता कि आप कॉलेज छोड़ के और बाकी चीजों पर ध्यान दो लच के हिम ऑल द बेस्ट सर जैसा अभी आपने बताया कि मतलब हम ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं पर लेकिन हम इस चीज के लिए कन्फ्यूज होते हैं कि मतलब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स तो बहुत सारे हैं जहां से हमें अच्छी खासी अर्निंग हम कंफ्यूज रहते हैं कि यार कौन सा प्लेटफॉर्म कौन सी अपॉर्चुनिटी बढ़िया और किस पे हमें वर्क करना चाहिए अगर मैं बता दूं कि क्या क्या तरीके हैं जिस पे हम ट्रस्ट कर सकते हैं काम कर सकते हैं तो शुरुआत जैसे फ्रीलांसिंग में भाई ने कुछ वेबसाइट्स बताई जैसे फाइवर हो गया फ्रीलांसर हो गया तो यहाँ से आपको काम मिल जाएगा कोई फ्रॉड नहीं होगा कोई स्कैम नहीं होगा इसके अलावा आप अगर ब्लॉगिंग करते हो ब्लॉगिंग लाइक आर्टिकल बनाना खुद का वेबसाइट बनाना उस पर आर्टिकल पोस्ट करना तो एक काफी अच्छा तरीका है उसको मोनेटाइज करके पैसे बनाना अफिलियट मार्केटिंग होता है एक अफिलियट मार्केटिंग में ज्वाइन करने का कोई पैसा नहीं लिया जाता है ना ही जब कोई आप प्रोडक्ट प्रमोट करते हो क्लाइंट से या फिर कस्टमर से आप ज़्यादा पैसे चार्ज करते हो जो एम होती है जो उसका प्राइस होता है वो चाहे आपके लिंक से ले या ना ले उतना ही पड़ता है तो अफलेट मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट बड़ा डिफरेंट है तो इसमें भी आपको थोड़ा सा देखना है कि जो बंदा अफलेट मार्केटिंग प्रमोट कर रहा है सिखा रहा है वो कैसा है वो कौन है उसके बारे में आपको थोड़ा सा स्टडी करना पड़ेगा तभी जाके आप उस फील्ड में कूदो नहीं तो स्कैम फ्रॉड्स तो हो ही रहे हैं इनफैक्ट अभी मैंने मेरे चैनल पे गिव अवे किया था तो उसमें मेरे सब्सक्राइबर्स के साथ में लोगों के साथ में बड़ा स्कैम हो गया कुछ नीचे फेक आईडी से रिप्लाई जा रहा था कि आप अवे के विनर हो और वो लोग जब आ, मैसेज का रिप्लाई कर रहे थे या फिर टेलीग्राम पे बुलाते हैं तो वहाँ पे वो दो हजार रुपये मांग रहे हैं कि आपका ये लैपटॉप है आप लेके जाओ बट दो हजार रुपये कुरियर के चार्जेस लगेंगे अब इस चक्कर में बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर्स ने पैसे दे दिए थे एंड ये बात मुझे एक दिन के बाद पता चली फिर मैंने एक वीडियो बना के क्लैरिफाई किया कि ऐसा कुछ नहीं है तो इसमें आपको ग्रीड भी नहीं होना है ज़्यादा लालची भी नहीं होना है कि यार कहीं से कोई ऑफर कर रहा है ना तो सीधा उस पर भरोसा करके चले जाओ आपको क्रॉस वेरीफाई करना पड़ेगा तब जाके आप चीज़ें उसमें टाइम दो एफर्ट दो क्योंकि यार मेहनत तीन साल चार साल मेहनत करोगे कुछ रिटर्न नहीं आएगा ना तो बड़ा दुख होगा आप गूगल पे जाकर के ये सर्च करो कि ऐसे कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं वर्ल्ड में जो कि मोस्ट पॉपुलर है मोस्ट ट्रस्टेड है है सबसे पुराने हैं जिस पे ट्रैफिक बहुत ज्यादा और जो वेल well फंडेड जिनको 100 मिलियन की 200 मिलियन की 500 मिलियन की फंडिंग मिली हुई है और फिर वो काम कर रहे हैं जहां पर हजारों इंप्लॉइज हैं ऐसे जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं जैसे फाइवर की बात करी गई है वहां पर तो फ्रॉड होने के कोई चांसेस नहीं है ना आपके साथ में तो अब आपको सीखना क्या है कि उसको ऑपरेट कैसे करना है नंबर वन दूसरा वहां से पैसा कैसे कमाते हैं इन दोनों ही कामों के लिए आपको किसी को पैसा देने की जरूरत नहीं है दो अलग अलग चीजें हैं एक है कोई आदमी आकर के आपको कह रहा है कि मैं आपको सिखा देता हूं कि फाइबर को ऑपरेट कैसे करते हैं लेकिन उसके लिए मुझे दस हजार रुपए दो मेरा यह कोर्स है वो आपको बेवकूफ बना रहा है क्योंकि वही चीज आप फ्री में भी सीख सकते हो वो चीज फाइबर खुद आपको सिखा देगा उसके ऊपर आपको वीडियो मिल जाएंगे श्योर बिल्कुल तो सीखने के पैसे मत दो सीखो फ्री में अभी जो आए थे ना यहां जिन्होंने एग्जाम्पल दिया जो भाई साहब यहां पर आए थे हमारे गुरु जी उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि भाई वो कैसे सीखा उन्होंने तो उन्होंने किसी को पैसे नहीं दिए सीखने के लिए खुद सीखा तो आप सीखने के पैसे मत दो इसको इंफॉर्मेशन एज बोलते हैं सीखने के पैसे मत दो लेकिन सीखने के बाद में जो अपनी स्किल के बेस पे पैसा कमाना है जिन प्लेटफॉर्म से वो प्लेटफॉर्म्स फ्री ऑफ कॉस्ट है वो रेवेन्यू शेयरिंग पे काम करते हैं कि मतलब अगर कोई क्लाइंट आया तो उसमें से इतना परसेंट आपका मानो साठ सत्तर परसेंट अस्सी परसेंट आपका बीस तीस परसेंट उनका उसमें क्या दिक्कत है मैंने खुद कभी कोर्सेज के लिए पैसे नहीं दिया इनफैक्ट हाँ बीटेक जब किया था तब तो मैंने पैसे लगे थे उसके वो भी स्कॉलरशिप मिला था मैंने कभी ऐसे जो चीजें मैंने सीखा है ब्लॉगिंग अफिलेट मार्केटिंग यूट्यूब इसके लिए कभी मैंने पैसे नहीं दिए मैंने खुद से ही इंटरनेट पे सर्च करना सीखा हाँ अगर गूगल सर्च करना आपको आ गया ना कि गूगल पे सर्च क्या करना है कैसे करना है ना तो फिर आपको कोई रोक नहीं सकता कुछ भी करने से और इसीलिए मैं मेरे चैनल पे फ्री में सारी चीजें बताता हूँ जो लोग पेड में कोर्सेज के तौर पे दे रहे हैं और वो लोग अपने आ, जो भी उनके लोग हैं उनसे अटैक करवाते हैं मेरे चैनल पे कि ये फ्री में क्यों दे रहा है फिर लोग गलत गलत बातें लिखते हैं बट मेरे को क्या है मैंने फ्री में सीखा है तो इस वजह से मैं फ्री में सिखाता हूँ और सर के ही आ, उस मार्गदर्शन पे चल रहे हैं तो बड़ा अच्छा लगता है ये चीजें एक बात और मैं यहाँ पे ऐड ऑन करता हूँ इन्होंने बात बोली ना बड़ी काम की वो बात है अगर आपको गूगल को सर्च करना आ गया ना हमें लगता है कि हमको गूगल को सर्च करना आता है अरे नहीं आता है नाइनटी नाइन परसेंट लोगों को गूगल को सर्च कैसे करते हैं ये अपने आप में एक बहुत बड़ी आर्ट है एक स्किल है एक साइंस है इसके पीछे आपको क्या करना है आपकी जो फील्ड है मान लो आप ग्राफिक डिजाइनिंग में फ्री करने वाले हो अब आप सर्च करो गूगल पे जाकर के वर्ल्ड बेस्ट ग्राफिक डिजाइनिंग प्लेटफॉर्म्स फॉर फ्री लिस्ट आएगी आपके पास में वहां पर आपको मानो बीस वेबसाइट आ जाती है उन बीस में देखो हर वेबसाइट पे टॉप टेन टॉप टेन अलग अलग होंगे लेकिन उन टॉप में से पांच ऐसे होंगे जो हर वेबसाइट पे होंगे वो है बाकी पांच को छोड़ दो तो क्योंकि हो सकता है उसमें से कोई एक हो जिसने खुद ही वो लिस्टिंग डाली हुई है और आपको लग रहा है गूगल कह रहा है गूगल कुछ नहीं कहता है गूगल सिर्फ लिस्ट करता है वेबसाइट्स को फॉर एग्जाम्पल आप जाकर के सर्च करते हो कि टॉप यूनिवर्सिटीज फॉर दिस पर्टिकुलर कोर्स इन इंडिया तो जरूरी नहीं है वहां पे जो आ रहा है वो सब कुछ सही है कि गूगल पे आ गया तो वो पत्थर की लकीर नहीं आप ये देखो कॉमन क्या है वहां पर अगर वहां पे टॉप ट्वेंटी है और सब में दिख रहा है ये वाली जो यूनिवर्सिटी है इस पर्टिकुलर कोर्स के लिए या इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए बेस्ट है तो, तो दर इज अ स्ट्रांग पॉसिबिलिटी की वो बेस्ट है और कहीं दिख रहा है कहीं नहीं दिख, दिख रहा है तो वहां पर थोड़ा डाउट दिमाग में रखो ना बेवकूफ बनाओ ना बनो